ख्याल से अपने अंदर कैची चलनी चाहिए। आपकी जो सद्बुद्धि है उसको घर पे ना रखिएगा जब आप कोई चीज बना रहे हैं। तो जरूरी है कि आप सीमाएं समझें, लोगों के जो भी भावनाएं हैं वो समझें, और ये ना समझें कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ कहीं भी। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता। ये जरूरी है कि सारे जितने भी कलात्मक जितनी भी चीजें हैं ना, जरूरी है कि आप अपने अंदर ही सेंसरशिप चला लें, अपने बुद्धि के अनुसार चला लें। ये ना करें कि आप मैं ये कर रहा हूँ जानबूझ के क्योंकि मुझे मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्योंकि फ्रीडम अगर आप खुद अगर दायरा नहीं बनाओगे, खुद अगर सीमाएं नहीं बनाओगे, पैरामीटर्स और लिमिटेशंस और जो जो बाउंड्रीज है वो आपको जानना चाहिए। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल एक्टर, उस पैरामीटर्स और बाउंड्रीज को आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि यू नो, आप किसी को पुट ऑफ नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि आप किसी को यू नो नाराज ना करें या किसी को डिसअपॉइंट ना करें, ऑब्वियसली विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कार्ड। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक नागरिक के अंदर होना चाहिए कि आप डिसेंसी क्या, जो भी आपका मॉरल वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज है, जो भी वैल्यूज है उसके दायरे में रहे। ना कि ये सोचे कि यार मैं तो कला वाली चीज कर रहा हूँ तो मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ, ये गलत हो गया। के सर, आप सब दोनों से ये जानना चाहता हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म में आपकी रिलीज हो रही है सीरीज, तो OTT प्लेटफॉर्म में किस तरह का की कैची चलनी चाहिए, किस तरह का सेंसर होना चाहिए, इस पे बीते दिनों खूब बातें हुई। मैं आप दोनों से समझना चाहता हूँ कि एक एक्टर के तौर पर और एक सिटीजन के तौर पर आप क्या समझते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म में किस तरह की कैची चलनी चाहिए, क्या चीजें सेंसर होनी है, क्या दिखाना चाहिए। इस माध्यम पे मेरे ख्याल से अपने अंदर कैची चलनी चाहिए। आपकी जो सद्बुद्धि है उसको घर पे ना रखिएगा जब आप कोई चीज बना रहे हैं। तो जरूरी है कि आप सीमाएं समझें, लोगों के जो भी भावनाएं हैं वो समझें, और ये ना समझें कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ कहीं भी। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दरअसल फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ व्हाटएवर, हर चीज में फ्रीडम है, महत्वपूर्ण चीज है ना। तो उसका ही अगर कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे आप तो गड़बड़ है। फ्रीडम मेरे ख्याल से, जब तक फ्रीडम डजंट एग्जिस्ट विदाउट बाउंड्रीज, जब तक आपके पास सीमा है तब तक आप फ्री हैं। सीमाएं नहीं होती हैं तो आप फ्री नहीं होते, है ना। तो मेरे ख्याल से ये जरूरी है कि सारे जितने भी कलात्मक जितनी भी चीजें हैं ना, जरूरी है कि आप अपने अंदर ही सेंसरशिप चला लें, अपने बुद्धि के अनुसार चला लें। ये ना करें कि आप मैं ये कर रहा हूँ जानबूझ के क्योंकि मुझे मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्योंकि फ्रीडम अगर आप खुद अगर दायरा नहीं बनाओगे, खुद अगर सीमाएं नहीं बनाओगे तो उसमें कोई फ्रीडम नहीं। ओके, आप तब आपकी बात। नहीं, बस बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चीज़ होती है एक एक्टर होने के नाते, वो आपके अंदर होनी चाहिए। आपको पैरामीटर्स और लिमिटेशंस और जो जो बाउंड्रीज है वो आपको जानना चाहिए। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल एक्टर, उस पैरामीटर्स और बाउंड्रीज को आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि यू नो, आप किसी को पुट ऑफ नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि आप किसी को यू नो नाराज ना करे या किसी को डिसअपॉइंट ना करे, ऑब्वियसली विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कार्ड। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक नागरिक के अंदर होना चाहिए, नॉट सिर्फ ओनली एन एक्टर बट एनी सिविलियन एज वेल, एनी रिस्पॉन्सिबल आई थिंक सिटीजन ऑफ द कंट्री। एक छोटी सी चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा क्योंकि मुद्दा थोड़ा गंभीर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, समझो, फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट। मतलब फ्रीडम, आप अक्सर लोग क्या 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 करते हैं कि फ्रीडम इज एब्सोल्यूट, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। मतलब इस वक्त मैं आपको यहाँ पे कुछ भी कह सकता हूँ, इसका फ्रीडम मेरे पास नहीं है, है ना। तो फ्रीडम इज नेवर एब्सोल्यूट, ये मेरे कहने का मतलब। बिल्कुल, तो जरूरी है कि आप डिसेंसी क्या, जो भी आपका मॉरल वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज है, जो भी वैल्यूज है उसके दायरे में रहे।
ना कि ये सोचे कि यार मैं तो कला वाली चीज कर रहा हूँ तो मैं तो कुछ भी कर, ये गलत हो जाएगा।